नमस्कार, मैं महावीर सिंह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर गांव-गांव में प्रत्याशियों की सभाएं हो रही हैं। गांव-गांव में जाकर प्रत्याशी लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। उसी गांवों में हमारी टीम आई है। हम सिरोही ज़िले के अणदूर गांव में हैं। कहते हैं कि गांवों के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती और गांवों के बिना राजनीति की भी कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीति की असली शुरुआत गांवों से होती है। गांवों के सरपंच का पद लड़ने के लिए एमएलए तक को पसीना आ जाता है। उन्हीं गांवों की चौपाल, उसी गांवों का चौहटा, उसी गांव के वट वृक्ष के नीचे जब पंचायत लगती हैं, गांव की चौपाल बैठती हैं, तब जाकर वहां से जो बातें निकलती हैं वही उन सब बातों का एक सार होता है। तो मैं अणदूर में हूँ, गाँव है इस अणदूर ज़िले का, ये सिरोही ज़िले का अणदूर गांव। उस गांव में हम यहां से निकल रहे थे, गांव के कुछ बुज़ुर्ग बैठे थे इस चौपाल पर वट वृक्ष के नीचे और एक पुराना जो खेल होता है वो खेल खेल रहे थे। खेल के दौरान कुछ बातें हुई, सोचा इनसे इस सिरोही के विधानसभा सीट की कुछ बातों को लेकर चर्चा करते हैं, माहौल का पता लगाते हैं। तो साथ हैं कुछ गांव के बुज़ुर्ग, इनसे बात करेंगे कि आखिर सिरोही में क्या माहौल चल रहा है राजनीति का। क्या नाम आपका? नरपत सिंह। नरपत सिंह जी, सिरोही के विधानसभा चुनाव में दो प्रत्याशी हैं, बीजेपी से कांग्रेस ने, दोनों की सीट घोषित हो गई है। अच्छा। प्रत्याशियों ने पार्टियों ने टिकट दे दिए। क्या माहौल है आपके गाँव से लेकर सिरोही पूरे विधानसभा सीट का? विधानसभा तो बीजेपी का है। आपके वर्तमान में एमएलए थे संयम लोढ़ा, कैसा कार्यकाल रहा उनका पुराना? ठीक रहा है, काम ठीक रहा। आपके गांव में कोई विकास हुए? हमारे गांव में तो उसको तो कोई नहीं किया। वर्तमान में क्या, जैसे ओटाराम जी भोपाल जी वो भी पिछली बार रहे थे, दो बार रहे लगातार, उनका कार्यकाल कैसा था? उनका कार्यकाल ठीक था। ठीक, क्या कुछ गाँव में आसपास में विकास कार्य हुए उनके कार्यकाल के दौरान? भोपाल जी टाइम में वो हुआ था का मगा जी, आप कहीं मतलब माहौल कहीं लगे आपने गाँव रो? जनता पार्टी आ गई। अच्छा, आप रे बार वर्तमान में कांग्रेस रो विधायक, तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार बोलो आप बोलो कांग्रेस की सरकार थी क्या? कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने कोई विकास करवाया ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोढ़ा जी डुप्लीकेट है कांग्रेस के। हमारे जीवाराम जी टिकट लेकर के आए थे पिछले चुनाव में, उन्होंने 20 साल तक जीवाराम जी उसके साथ बाइक लेकर के घूमे, जाजम को बिछाया, वो कांग्रेस ही था और दो बार हारे दो बार जीते। उनके बाद में भी उन्होंने जीवाराम को काट करके निर्दल चुनाव लड़ा, कैसा कांग्रेसी है ये? कांग्रेसी क्या हो? कांग्रेस को बगावत कर सकता क्या? इससे तो बीजेपी वाला ठीक है ना। और अब कांग्रेस ने वापस टिकट दिया उनको? दिया तो हारेगा। अच्छी बात है, हारेगा पब्लिक उसका फैसला करेगी।